नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्लीव का एक बहुत सुंदर डिजाइन का पैटर्न आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच बीच में मैं इसमें छोटी छोटी ट्रिक्स बताने वाली हूँ। आप वीडियो को स्किप ना करें और बहुत अच्छे से मैं इसको समझाने वाली हूँ किस तरीके से इस स्लीव के पैटर्न को हम कटिंग करने वाले हैं। इस स्लीव को हम पेटल स्लीव भी बोलते हैं। तो ये मैंने, ये देखिए, नॉर्मल स्लीव जो होती है हमारी, ये मैंने पेपर कटिंग कर ली है। जो इसकी लंबाई, टोटल लंबाई 6.5 इंच मैंने रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई रख सकते हैं। ज़्यादातर ये इसी लेंथ में स्लीव बनाई जाती है। ये देखिए 6.5 इंच मेरी इसकी लेंथ है। अब ये इस तरीके से मैंने इसको खोल लिया है। अब हमें इसको फोल्ड करके बीच में से नाखून से इस तरीके से प्रेस कर लें और मैं आपको दिखाती हूँ। सेंटर की जो लाइन है उस पर आप, मैं यहाँ पर एक लाइन, ये देखिए सेंटर में मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या करना है, सेंटर में लाइन पर लगभग ऊपर से हमें 12 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है। ये देखिए, ये मैंने 12 सेंटीमीटर पर एक क्रॉस का निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, इधर से लगभग ये 8 से 9 सेंटीमीटर आप यहाँ पर एक निशान लगाएं। 8.5 और 9 के बीच में आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 8.5 पर, ये देखिए, मैंने एक निशान इस तरीके से लगा लिया। और इधर भी हमें ये 8.5 पर ही मैं यहाँ पर इधर निशान लगा लेती हूँ। ये मैंने लगा लिया, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, पेटल स्लीव जो होती है, जैसे फ्लावर की दो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको ओवरलेप करके ये हमारी स्लीव बनेगी। तो ये अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है उस पर आपको ये फ्रेंच कर्व लेना है। अगर आपके पास ये न हो तो आप यहाँ से भी, यहाँ से, और जो हमने 12 सेंटीमीटर पर निशान लगाया था वहाँ पर, देखिए मैं पहले पेंसिल से इस पर एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक होती है तो हमें इसको, ये यहाँ पर इसमें मिला लेना है, ये देखिए। और इसी तरीके से इधर से भी हमें ये 12 सेंटीमीटर पे जो हमारी गोलाई थी, मैं इस पर इन दोनों को देखिए ऐसे मिला लेती हूँ। ये मैंने एक बार पेंसिल से निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, फ्रंच कर्व की लेंथ छोटी होती है तो मैं आपको इससे, ये देखिए, इसको क्या करना है, सेंटर, ये पॉइंट हमने सेंटर में मिला दिया, सेंटर से ही इस पॉइंट को उठाना है। और इसको हमारी जो ये स्लीव है इसका जो, ये देखिए, एंड का जो पॉइंट है ये वाला, इस पर इसको मिलाना है। मैं एक बार पेंसिल से ड्रॉ करके फिर आपको मार्कर से ड्रॉ करके बताती हूँ। ये देखिए, हमें इसको इससे थोड़ा सा, देखिए ये हमारा कॉर्नर से ये ऐसे मिल जाना चाहिए। और अब इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। तो ये देखिए, इसको भी यहाँ से यहाँ तक रख के, ये हमारा सेंटर पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, ये हमारा यहाँ से इसको, ये यहाँ से ऐसे मिल गया। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। ये मैं इस पे मार्कर से आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये देखिए, मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए,
पेंसिल के ऊपर ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। ये देखिए, ये यहाँ से जो निशान है ये 12 सेंटीमीटर है और ये हमारा यहाँ से और यहाँ तक का है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमारा सेम है। तो ये लेंथ हमारी, आप 9 तक भी इसको रख सकते हैं और 8 से 9 के बीच में ये लगभग हम रखते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से ये दो पेटल हमारे तैयार हुए हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पर हमें कटिंग करनी है एक बार। तो ये देखिए, और इसका आप ध्यान रखें, इसका आपको ध्यान रखना है। हम एक बार देखिए, ये देखिए एक हमारी ये तैयार हो गई है। ये हमें अभी फेंकना नहीं है, इसको वापस हमें पेस्ट करके दूसरी पेटल हमें निकालनी है। तो ये देखिए, ये मैंने एक निकाल ली। अब हम ये जो फर्स्ट जो पेटल है इस पर हम F लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे, ये हमारी फ्रंट है। ठीक है, अब हमें ये मैंने एक पेपर और लिया है, खाली बिल्कुल ब्लैंक पेपर, और इस पर देखो इसको इस तरीके से एडजस्ट करें कि ये पूरी इसमें ड्रॉ हो जाए। और मैं इस पर इसके जैसी हमारी इसकी ड्रॉ है उसके लाइन सारे सारे इसके खींच लेती हूँ। ये देखिए देखिए, बिल्कुल सेम इसकी मार्किंग करनी है जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है, कहीं भी हमें कोई मार्जिन वगैरह नहीं रखना है। देखिए, ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर लिए और ये लाइन है जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ की थी, ये देखिए यहाँ से हमें इस पर ज़रूर से ज़रूर निशान लगाना है। तो ये इस लाइन पर हमने निशान लगा के इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर दी और इसको अच्छे से मिला के, और इस पर आपको लिखना है फ्रंट F, वो हमने काटी थी। तो अब ये हमारी हो गई, अब हमें क्या करना है, इसको लेके जो हमने इसमें से कटिंग करी थी इसको देखिए वापस बिल्कुल एडजस्ट करके सेम हमें एक टेप लेनी है, सेलो टेप से। इसको यहाँ से चिपका लें क्योंकि यहीं से हमें दो जगह से कटिंग करनी है। और एक जगह से अब देखिए, ये मैंने इसको टेप से चिपका लिया है और यहाँ से एक बार इसको आप फोल्ड कर लें इसकी गोलाई पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने फ्रंट लिखा था, इसमें हमें बैक, ये हमारी बैक साइड की होगी और इसको हमें अब इसको अलग करना है काट के। ये देखिए, अब इसको चाहे आप फेंक सकते हैं, ये हमारे कोई काम की नहीं है। दोनों पेटल्स की जो ड्राफ्टिंग थी वो हमने इस तरीके से निकाल ली और इसको भी इसी शेप में हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं पेंसिल से इस पर भी मार्किंग करके बराबर से देखिए
मैंने आपको ये पतला है थोड़ा पेपर, उस पर मैं आपको ये ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। आप मोटी शीट पर ऐसी ड्राफ्टिंग बना के रख लें तो आपके वो स्लीव में जब भी आपको डिज़ाइन बनानी हो, ड्राफ्टिंग तैयार हो, तो आप तुरंत उसे बना सकते हैं। ये देखिए, ये अब यहाँ पर भी हमें एक तो ये देखिए और एक यहाँ पर, दोनों जगह ये निशान लगाने हैं, तो इस पर भी हमें लाइन को ड्रॉ करना है। ये देखिए, अब ये दोनों पेटल्स तैयार हैं। अब हमें इनकी कटिंग करनी है। देखिए, मैं इसको डार्क करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। बिल्कुल, मैंने इसको पूरे को अच्छे से ड्रॉ करके और ये दोनों जो हमारी पेटल्स थी उनको मैंने अलग अलग कर लिया है, और दोनों को बीच में से हमें ओवरलैप नहीं करना, बिल्कुल बराबर बराबर लगा के दोनों को, और यहाँ से टेप से बिल्कुल चिपका लेना है। और ये जो हमारा ये कर्व की शेप आ रही है, ये हमारी आर्म होल साइड में जॉइंट होगी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है आर्म होल साइड्स। अब देखिए, और यहाँ पर ये सीधी लाइन मैंने दोनों जगह ड्रॉ की थी। अब ये सीधी लाइन हमारे कहाँ यूज़ आएगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्लीव ऐसे, ये ऐसे देखो, ये हमारी लाइन जो एक तो नीचे लाइन है, एक यहाँ पर लाइन है, तो ये जब हम स्लीव को जॉइंट करेंगे हमारे किसी ब्लाउज टॉप जिस पे भी हम ये स्लीव लगाएंगे, ये देखिए ये नीचे लाइन है और ये दोनों लाइन हमारी मिलनी चाहिए। ये देखिए, ये दोनों बिल्कुल सेम जगह, ये नीचे मैं आपको करके दिखाती हूँ और ये ऊपर, तो ये दोनों का मैच होना ज़रूरी है। और ये देखिए, ये इस तरीके से ये हमारी यहाँ से ये हमारा आर्म होल साइड से जुड़ जाएगा, और ये देखिए ऐसे ये हमारी स्लीव इस तरीके से आ जाएगी, इस ऐसे। ये देखिए, ये पैटर्न स्लीव का पैटर्न बिल्कुल बन के रेडी हो गया। अब इसको हमें कपड़े पर, ये देखिए हमें कपड़े पर भी इसको कैस किस तरीके से काटना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये हमें उतना ही बड़ा कपड़ा लेना है स्लीव के लिए, ये देखिए, और इसको मैंने यहाँ लिख दिया है ये हमारा किसका पैटर्न है, पेटल स्लीव का। और देखिए ऐसे इसको रखकर हमें चौक से ड्रॉ करना है। इसमें आप कपड़े में काटते वक्त मार्जिन आप इसमें रख सकते हैं आर्म होल साइड में थोड़ा सा। मैं यहाँ पर आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ कपड़े पर, मैं काट के नहीं दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें कपड़े पर इसकी कटिंग करनी है। बहुत सिंपल ये कटिंग है स्लीव की, और ये हमारे जो कुर्तियों टॉप्स और ब्लाउज में ये बहुत सुंदर है, और अभी ये काफ़ी चलन में है। हम इसको बीच में से जैसे फोल्ड करते हैं वहाँ पर हम इसमें एक दो मोती या कोई भी टसल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा पैटर्न है, और इस तरीके से ये पूरा हमारा चौक से उभर आएगा, और इसी के ऊपर हमें कटिंग करनी है। और ये ऐसे हम इसको डबल हो जाएगा, ये हमारा जैसे नॉर्मल स्लीव डबल फोल्ड में हो जाती है, और हम इसको कटिंग करके उस तरीके से इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि ये दोनों हमारे ये लाइनें यहाँ पर मिलती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कोई भी जैसे मोती वगैरह या टसल्स वगैरह कुछ भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पर भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, और पाइपिंग वगैरह लेस वगैरह लगा के कपड़े पर हम इसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये मेरी स्लीव की खूबसूरत कटिंग पैटर्न जो बनकर रेडी हो गया है। ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।